हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं कई सारे प्लांट्स लेके आई हूँ जिनकी कटिंग आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, और जो जड़ वाले भी प्लांट हैं उनको भी जड़ बहुत आसानी से इस मौसम में निकल जाती है और बहुत ही आसानी से आप उन्हें लगा सकते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी मैं वीडियोज़ दिखाऊँगी आपको, और ये सारे प्लांट बहुत आसानी से कटिंग से लग सकते हैं। ठंड के मौसम आने से पहले ही मैंने व्यवस्था कर ली है अपने बगीचे को फ्लावर से सजाने के लिए। मैंने देखिए गुलदाउदी की कई सारी कटिंग लगा चुकी हूँ, बहुत सी उसकी रूट डेवलप भी हो चुकी है नीचे से, क्योंकि मैंने बारिश जब स्टार्ट हुई थी तभी से मैंने कटिंग में लगाने लगे। लेकिन अभी भी अगर आप नहीं लगाए हो तो लगा दीजिए, बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। और मैंने बहुत सारे प्लांट्स में कई सारी चीज़ें लगाई है। ये देखिए छुई मुई है, ये भी कटिंग से लगा सकते हैं, बीज से भी लगते हैं ये। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। देखिए कितने प्यारे प्लांट्स लगते हैं छुई मुई के। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्लांट्स हमको कटिंग से लगाने चाहिए, बहुत आसानी से ग्रोथ हो जाते हैं और कई जगहों पे तो ये मिल भी जाते हैं। आपको इन्हें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कटिंग से ही आप लगा सकते हैं बहुत आसानी से अगर मिल जाते हैं तो। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये छुई मुई के प्लांट्स हैं। इनको मैंने बीज से लगाया था, कुछ कटिंग से भी लगाया हुआ है और कुछ इनके बीज गिर चुके हैं गमले में तो वो उगाए हैं अच्छे से। इसमें फ्लावरिंग भी होती है, पर्पल कलर के फूल निकलते हैं इस मौसम में। देखिए अभी शाम का समय है तो इस वजह से फूलों की साइज़ एकदम छोटी हो चुकी है, सुबह के समय में बहुत ही अच्छे से ये खिले रहते हैं। ये सुदर्शन का प्लांट है दोस्तों, ये स्पाइडर प्लांट है। ये देखिए इसकी जो रूट है नीचे की तरफ से, यही आप ज़मीन में लगा दीजिए कटिंग करके तो ये बहुत आसानी से लग जाते हैं। पूरे वीडियो में आप ज़रूर बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे और आसानी से लग जाने वाले प्लांट्स के बारे में मैंने बताया है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके पास किस किस कलर के प्लांट्स हैं सो प्लांट में। ये देखिए मेरे पास ये है, एक इसमें है ग्रीन कलर का है, पैरट ग्रीन है, उसमें भी फ्लावरिंग होती है और इसमें भी फ्लावरिंग, दोनों में फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है विंटर के सीज़न में। तो दोस्तों पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा और देखते रहिए कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं हमारे छोटे से बगीचे में। Thank you.
हूँ।